फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ। आज बना रहा हूँ मैं टमाटो बरसीता। टमाटो बरसीता बनाने के लिए हम ले लेते हैं कुछ टमाटर्स, बेसिल, ऑलिव्स, गार्लिक्स, और इसको हम कर लेते हैं चॉप। और इसके बाद हम एक बनाते हैं गार्लिक ब्रेड, और गार्लिक ब्रेड में हम इसको स्टफिंग करते हैं, और ये बन जाएगा हमारा टमाटो बरसीता। तो गाइस, टमाटो बरसीता बनाने के लिए हमने ले लिए हैं अच्छे से टमाटर, और इनको कर दिया है हमने अच्छी तरह से वॉश। और इसके बाद हम टमाटर को काट रहे हैं, और इसको कर रहे हैं सीजलेस, और इसके बाद हम इसकी क्यूब में कटिंग करेंगे। तो गाइस, इस तरह से हो गए हमारे टमाटो सीजलेस, और अब हम इसको करने वाले हैं कटिंग डाइस क्यूब में। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करें एक डाइस क्यूब में, इस तरह से हम इसको काटने वाले हैं। ये हमारे टमाटर कट चुके हैं डाइस क्यूब। तो गाइस, टमाटो बरसीता बनाने के लिए हमने टमाटर को इस तरह से क्यूब में कट कर दिया है। और गाइस, अब हम इसमें डालने वाले हैं ब्लैक ऑलिव और ग्रीन ऑलिव, और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं बेसिल चॉप, गार्लिक चॉप, ऑलिव ऑयल चॉप और पारमेसन चीज। अब हम सारे मिक्सचर को एक साथ मिक्स करने वाले हैं, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट पेपर। तो गाइस, इस तरह से कर दिया है हमने सारे मिक्सचर को तैयार। इस तरह से हो गया हमारा टमाटो बरसीता का मिक्सचर तैयार, और ये बन गया हमारा टमाटो बरसीता का मिक्सचर। और काटने वाले हैं एक गार्लिक ब्रेड। और गाइस, गार्लिक ब्रेड की रेसिपी मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हम लोग गार्लिक ब्रेड कैसे बनाते हैं। तो गाइस, इस तरह से हमारी होती है गार्लिक ब्रेड, जो कि हमने बना के तैयार कर रखी है। और अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं स्लाइस में, और अब हम इस गार्लिक ब्रेड को अपने ओवन में डालने वाले हैं, और इसमें करने वाले हैं ब्राउन कलर। फ्रेंड्स, हमने इसमें कर दिया है ऑयल बटर ब्रश इस तरह से। और अब हम इसको डालने वाले हैं ओवन में। यहाँ से दिखाना है, मैं डालते हैं। और फ्रेंड, हमने इसको डाल दिया ओवन में रोस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रोस्ट हो गई हमारी गार्लिक ब्रेड, और अब हम इसको करने वाले हैं स्टफिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हो गई हमारी ये ब्रेड स्टफिंग, और अब हम इसकी करने वाले हैं प्लेटिंग। तो गाइस, इस तरह से बन गया हमारा टमाटो बरसीता, जो कि गेस्ट के लिए रेडी है। हम गेस्ट को इस तरह से सर्व करते हैं टमाटो बरसीता। तो गाइस, तो इस प्रकार से हम टमाटो बरसीता बनाते रहते हैं। इसमें हम बहुत सारे प्रकार से टमाटो बरसीता बनाते हैं,
वेज नॉन वेज मैनी आइटम्स बनाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा हमारा चैनल, लाइक शेयर कमेंटमेंट करते रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, बने रहे हमारे वीडियो में, आपके लिए लाते रहेंगे नई नई वीडियो, नई नई रेसिपी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।